हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों ने ओबीडी स्कैनर तो ले लिया, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि इसमें कौन सा कोड पे कौन सा सेंसर है, कौन सा किस सेंसर का क्या नाम है, ये मैं डिटेल आपको बताऊँगा। बहुत से लोग हमारे मैकेनिक भाई होते हैं कि उनको ये नहीं पता ये कौन सा सेंसर है, इसका क्या नाम है, इस पर सर्च करते पता ही नहीं चल पाता कि क्या नाम है क्या नहीं है। तो आज मैं एक एक सेंसर को हटा करके एक एक सेंसर का कोड और नाम के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे लगता है और क्या नाम होता है, क्या कोड होता है, सब कुछ आपको डिस्प्ले पे दिखेगा। हर एक सेंसर का नाम और कोड, क्या नाम होता है, क्या कोड होता है और कहां लगता है, सब कुछ डिटेल बाय डिटेल स्क्रीन पे आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इधर आइए आप मेरे पास, तो कैमरामैन भाई हमारे पास आइए और इधर रखिए। ये देखिए, इसमें अभी कोई भी फॉल्ट नहीं है, जीरो फॉल्ट है और गाड़ी स्टार्टिंग कंडीशन में। ऐसा नहीं कि गाड़ी ऑफ है, गाड़ी स्टार्टिंग कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं, फिर ऑन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम एक एक सेंसर की डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका जो ये वाला सेंसर है इसको हटा करके आपको दिखाना है। इसको हटाएंगे, ये हमने हटा दिया, ये देखिए हमने हटा दिया यहाँ का सेंसर, कार्बोरेटर का सेंसर, और इस पर ओके करेंगे, इस पर ओके करेंगे। ये देखिए एक फॉल्ट आ गया। ठीक फ्रेंड, तो इस पर ओके करेंगे और ये देखिए P0122 ये कोड है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, टोटल पोजीशन सेंसर। ठीक फ्रेंड, ये देखिए टोटल पोजीशन सेंसर। अगर टोटल पोजीशन सेंसर, अगर आपके स्कैनर पे P0122 कोड आ रहा है तो समझ लीजिएगा ये टोटल पोजीशन सेंसर जो है आपका हटा हुआ है या फिर ये ख़राब है। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा सेंसर चेक करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम ये ब्लॉक में जो सेंसर लगता है ये सेंसर को ओपन करेंगे, ये हमने ओपन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, और अब हम इसको भी रीड करेंगे। तो देखिए, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इस जो सेंसर का नाम है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर नाम है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो कोड है P0118। ठीक है फ्रेंड, ये समझ में आ गया आपको कि अगर आपके फ़ोन पे या स्कैनर पे ये कोड आता है तो ये जो होता है ये वाला सेंसर होता है। ठीक है फ्रेंड, ये अब हम देखते हैं साइलेंसर में, ये जो साइलेंसर में लगता है सेंसर, इसका क्या कोड आता है, क्या नंबर होता है। तो फ्रेंड, ये जो साइलेंसर में सेंसर लगता है और इसकी सॉकेट जो यहाँ लगती है, इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए डिस्कनेक्ट कर दिया। और अब हम इसको दिखाएंगे स्कैनर में इसका कोड क्या आता है। तो ये देखिए, इसको हम ओके करेंगे और नो कोड आ रहा है अभी। और इसको जो है एक बार फिर से रिलेस कोड, फिर से कोड चेक करेंगे। तो फ्रेंड, ये जो सेंसर होता है, इसका इस पर कोई कोड नहीं आ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे, कोई कोड नहीं आ रहा है। ये जब स्टार्ट होती है गाड़ी तब इसका ECU वर्क करता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, ये जो सेंसर है, ये सेंसर का नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले पे, दिखाई दे रहा होगा आपको इस सेंसर का नाम। और ये सेंसर के अगर सॉकेट हम हटा देते हैं, इसकी सॉकेट हटा देते हैं और स्कैनर पे लगा करके चेक करते हैं,
स्कैनर पर लगा करके चेक करते हैं तो इसका कोई भी कोड नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड, लाइव प्रूफ आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट है और ये देखिए सॉकेट इसकी हमने हटा रखी है, ये देखिए सॉकेट इसकी हटा रखी है और ये देखिए सॉकेट इसकी हमने हटा रखी है, आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार हिला करके, ये देखिए सॉकेट इसकी हटी हुई है। ठीक फ्रेंड, और इसको हम चेक कर रहे हैं इस पर तो इसका कोई कोड नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए मशीन में OBD स्कैनर में कोई कोड दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करते हैं इसका पता चल गया होगा, इसका कोई कोड नहीं दिखाई देता है। अगर इसका सॉकेट हटा होगा या ख़राब होगा तो इसका कोई कोड नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब है आपके चेक इंजन लाइट में भी कुछ नहीं शो करेगा और कोई भी कोड नहीं समझ में आएगा। गाड़ी जो है स्टार्टिंग भी देखते कोई भी स्टार्टिंग कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आ रही है, बढ़िया एक्सीलेटर लेने में बढ़िया चल रही है। ठीक फ्रेंड, तो चलिए इसकी हम सॉकेट लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम ऑफ कर देते हैं हुआ, अगर इस पर कोई भी फॉल्ट आता है इसका कोई फॉल्ट नहीं होता, कोई कोड नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, उधर वाला सेंसर तो हमने चेक कर लिया था और ये वाला सेंसर जो है इसको भी हम चेक करेंगे तो इसकी ये सॉकेट होती है, ये देखिए ये सॉकेट होती है, इसको भी हटा कर चेक करेंगे इसका क्या कोड आता है और क्या नाम होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसकी सॉकेट हम हटा देते हैं, ये देखिए फ्रेंड इसकी सॉकेट हमने हटा दी है। अब स्कैनर हम देखते हैं फ्रेंड, इसका जो कोड है P0508 और इसका जो नाम है आइडल एयर कंट्रोल इसका नाम है और इसका कोड है P0508। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका ये कोड आता है और ये नाम आता है तो आपका ये वाला सेंसर जो होता है ये सेंसर में प्रॉब्लम होती है, ये वाला सेंसर जो कार्बेटर में लगता है, ये देखिए यहाँ पे ये कार्बेटर में ये सेंसर लगता है और इसका नाम आइडल एयर कंट्रोल है और इसका कोड है, ये देखिए कोड आप देख लीजिए P0508। ठीक है फ्रेंड, तो और ध्यान रहे ये स्टार्टिंग ही पे ये सेंसर वर्क करता है, ऐसे खड़ी गाड़ी में नहीं वर्क करेगा। तो ये देखिए इसका एक फोल्ड दिखा दे रहे हैं, ये देखिए फोल्ड है और इसको सॉकेट हमने लगा दी। अब इसको भी इरेज कर देते हैं, तो चलिए बैक करते हैं और इसको इरेज करते हैं, ये देखिए इरेज कर दिया और ये ओके, ये देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका नाम क्या था ये मैंने आपको बता दिया, और आपको मैं बता देता हूँ इसको तो आप लोग जानते होंगे, जितने हमारे मैकेनिक भाई इसको जानते हैं, इसका नाम है ऑटो चोक। और इसको हटाने के बाद क्या हमारे जो है OBD स्कैनर पर कोई कोड आता है कि नहीं आता, तो ये सॉकेट हमने हटा दिया। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड तो हमने पहले चेक किया था कि इस पर कोई भी कोड नहीं आ रहा था, तो लेकिन इसको हमने हटाया, जैसे ही हटाया थोड़ी देर चेक किया उसके बाद ये देखिए एक कोड आ गया इसका, इसमें क्या लिखा हुआ कोल्ड स्टार्टर इंजेक्टर। ठीक फ्रेंड, और इसका अगर आपकी ऑटो चोक ख़राब हो जाती है तो इसका ये कोड होता है P0213। ठीक है फ्रेंड, और इसका नाम क्या होता है कोल्ड स्टार्टर इंजेक्टर। ठीक है फ्रेंड, अगर ऑटो चोक ख़राब हो जाती है तो ये कोड होता है, ये नाम होता है। ठीक है, और फ्रेंड अगर आपका ये RR यूनिट ख़राब हो जाता है तो इसका भी कोई एरर कोड नहीं आएगा और गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि जब तक आपकी बैटरी में जान रहेगी तब तक ये काम करेगा, और बैटरी की जान ख़त्म हो जाएगी तो ये RR यूनिट फिर प्रॉब्लम करेगा। ठीक फ्रेंड, अगर RR यूनिट की तार डिस्कनेक्ट होती है या फिर ख़राब हो जाता है तो आपकी गाड़ी बढ़िया से स्टार्ट होगी। ठीक है फ्रेंड, और इसका कोई कोड नहीं आता, ये देखिए ऑफ़ किया हमने, ऑन किया और गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं, ये देखिए बढ़िया से स्टार्ट हो रही है और इसका कोई एरर कोड नहीं है, RR यूनिट का कोई भी एरर कोड नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड इसकी जो कॉइल प्लेट है, ये कॉइल प्लेट की तारे हटा करके दिखाते हैं आपको कि इसका कोई एरर आता कि नहीं आता, ये देखिए एक ये वायर हट गई और एक ये वायर हट गई। ठीक फ्रेंड ये देखिए कॉइल प्लेट की जो तारे हैं ये हमने हटा दिए, फिर भी गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है फ्रेंड, तो पहले मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, तो ये देखिए पहला फॉल्ट आ रहा है और कोई सॉकेट नहीं हटाई है, खाली कॉइल प्लेट की सॉकेटें हटाई है, और ये देखिए इसका जो कोड है P0118। ठीक है फ्रेंड, ये आ रहा है और इसमें क्या लिख के आ रहा है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ठीक फ्रेंड, अगर इसका जो है ये सॉकेट हटा देता है तो इसमें यही एरर कोड आएगा इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के नाम से। ठीक है फ्रेंड, तो इससे हम फिट कर देते हैं, तो सॉकेटें फिट कर दो भैया, ये जो वायर हटी होती है तो इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे भी गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो रही है और ये देखिए वायर इसकी हटी हुई है। गाड़ी जो स्टार्ट होती है मेन होता है ये जो दूसरा पिकअप कॉइल का सेंसर होता है, ये जो दूसरा पिकअप कॉइल का सेंसर होता है ये वाला। ठीक है फ्रेंड, इसको जैसे हम डिस्कनेक्ट करेंगे गाड़ी ऑफ हो जाएगी,
ये देखिए गाड़ी ऑफ हो गई। तो इसमें होता है हमारा पिकअप कॉइल का सारा सेंसर का सारे जितने होते हैं सब इसी में जुड़ा होता है। ठीक फ्रेंड, ये जो वायर होती है ये कॉइल प्लेट की वायर होती है और ये जो होती है हमारे सेंसर की वायर होती है जो अंदर मैग्नेट में लगता है। इसके लिए मैं अलग से कभी वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने हटा दिया है और ये अगर हटा रहेगा तो आपका सेल्फ और स्टार्टिंग प्रॉब्लम कुछ स्टार्टिंग कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसे हम लगा देते और इसका जो है इसका कोई एरर कोड है कि नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। हटा हटा तो फ्रेंड, अगर ये वायर डिस्कनेक्ट होती है तो आपका कोई एरर कोड भी नहीं आएगा और ना ही इसमें जो है आपका सेल्फ वर्क करेगा। ये देखिए सेल्फ भी वर्क नहीं करेगा ओपन। और ये होता है इसका जो है साइड स्टैंड सेंसर होता है। अगर ये ख़राब होगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये तो आप लोगों को पहले से पता है। तो चलिए ये वाली सॉकेट हम लगा देते हैं और ये सॉकेट जो होता है इस सॉकेट का लूज होने की वजह से या फिर ख़राब होने की वजह से गाड़ी जो है आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक फ्रेंड, ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया और हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए बढ़िया अच्छे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें भी एरर कोड आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए एरर कोड कोई नहीं है और कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आशा करते हैं आपको मैंने सारे सेंसर जो होते हैं इसमें लगे होते हैं हर एक सेंसर का नाम, हर एक सेंसर का कोड और हर एक सेंसर का जो नंबर होता है हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल बाय डिटेल बताई है और आशा करता हूं आपको ये चीज़ समझ में भी आई होगी। ठीक फ्रेंड, अगर आप लोग नया स्कैनर ले लेते हैं उसमें कोड आता है तो आप लोग कोड में नाम लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, कोड लिखा होता है, आप लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा कोड है, कौन सा नाम है, कौन सा सेंसर है। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे जो है वीडियो से जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा सेंसर का क्या नाम है, क्या कोड है। ठीक फ्रेंड, वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।